एक्सरसाइज 9.3 और इसका क्वेश्चन 9th, इसमें है दी साइड एबी ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। एबीसीडी जो इस फिगर में दिख रहा है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम है, इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। इसकी एबी साइड को प्रोड्यूस करवाया है पी पॉइंट तक, इस साइड को। अगर इसका फिगर नहीं दे रखा हो तो भी हम ऐसे कंस्ट्रक्ट करेंगे इसमें, जैसे ये हो गया एबीसीडी पैरेललोग्राम, फिर इसकी एबी साइड को प्रोड्यूस करवाया पी तक। ए लाइन रोट ए, एक लाइन ए से हमने ड्रॉ करनी है एंड पैरेलल टू सीपी। यहां से जो सीपी लाइन बनेगी इसके पैरेलल, इस मीन्स ये अगर ऐसे ड्रॉ हो रही है तो इसके पैरेलल ऐसे ही ड्रॉ होगी। ये ऐसे ड्रॉ की हमने मीट सीबी, जो सीबी को मीट करेगी प्रोड्यूस्ड एट क्यू। जब हम सी से बी की साइड में प्रोड्यूस करवाएंगे तो ये इसको क्यू पॉइंट पे मीट करेगी एंड देन पैरेललोग्राम पी बी क्यू आर इज कंप्लीट। अब पी बी क्यू और आर पॉइंट्स लेके एक पैरेललोग्राम पी बी क्यू आर और कंप्लीट करना हमें। इट्स मीन्स ये फिगर अब अपने पास तैयार हो जाएगा जो क्वेश्चन में दिखा रखा है। अगर नहीं दे रखा हो तो हम इसको इस टाइप से बना के दिखाएंगे। हो गया, ये इसका फिगर दिखा रखा था। शो दैट एरिया ऑफ एबीसीडी इक्वल टू एरिया ऑफ पीबी क्यू आर। एबीसीडी भी पैरेललोग्राम है और पीबी क्यू आर भी क्या है, ये पैरेललोग्राम। तो दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया हमने कंपेयर करवाना है। जब दो पैरेललोग्राम्स का एरिया कंपेयर करवाएं हम तो दोनों का इक्वल कब आएगा, जब दोनों इक्वल बेस और इक्वल हाइट्स के साथ हो। लेकिन यहां तो कॉमन कुछ है ही नहीं एबीसीडी और पीबी क्यू आर में। इट्स मीन्स इसको कंपेयर करवाने के लिए इसने हिंट दे रखा है, हमने दोनों के हाफ कर लिए डायगनल्स ड्रॉ करके। इसमें इससे डायगनल ड्रॉ कर दिया और इसमें ये डायगनल ड्रॉ कर दिया पी क्यू। तो इसमें एससी और पी क्यू को ज्वाइन करवाने का हिंट भी दे रखा था, वो किस लिए, क्या कि कंप्लीट तो कंपेयर हो नहीं रहे थे। और जब पैरेललोग्राम में डायगनल ड्रॉ करेंगे तो दो ट्रायंगल्स बनेंगे और दोनों का एरिया इक्वल होगा, और कंप्लीट से कंपेयर करवाएंगे तो कंप्लीट के हाफ के इक्वल। क्योंकि जब एक कंप्लीट वस्तु में दो इक्वल पार्ट्स बनाएंगे तो ईच पार्ट कंप्लीट के हाफ के इक्वल होगा। अब दो ट्रायंगल्स बन गए यहां से ए सी क्यू और इसके साथ ए क्यू पी, क्योंकि पैरेलल लाइंस इसमें अब पैरेललोग्राम्स के अलावा कौन सी है, सीपी और ए क्यू। कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमने सीपी के पैरेलल ए से जो लाइन ड्रॉ की थी वो पैरेलल थी सीपी के। इट्स मींस ए क्यू पैरेलल है सीपी के। अब अगर इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया कंपेयर करवाएंगे तो दोनों को ए क्यू बेस पे बोला जा सकता है, ए क्यू कॉमन है। और इसके अलावा जो पॉइंट्स बच गए क्या, सी और पी, और इनको ज्वाइन करवाने से जो सीपी लाइन बनेगी वो पैरेलल होगी ए क्यू के। इट्स मींस दोनों ही ट्रायंगल्स इक्वल एरियाज की हो जाएंगी, क्योंकि बेस सेम और टू पैरेलल्स के बीच में लाई कर रही है तो हाइट इक्वल, और जब दो ट्रायंगल्स की बेस और हाइट्स इक्वल होंगी तो उनका एरिया क्या आएगा, इक्वल। तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल आ जाएगा। फिर इन दोनों में से हम ये पार्ट हटा देंगे ए बी क्यू, तो ये बच जाएगा फर्स्ट पैरेललोग्राम का हाफ पार्ट और इसमें बच जाएगा सेकेंड पैरेललोग्राम का हाफ पार्ट, और वो इक्वल हो जाएंगे। अगर हाफ पार्ट्स इक्वल होंगे तो कंप्लीट भी इक्वल। इट्स मींस इसको सोल्व करें तो गिवन के अकॉर्डिंग गिवन हुआ इसमें ए बी सी डी एंड पी बी क्यू आर टू पैरेललोग्राम्स। इसके साथ साथ सीपी पैरेलल है ए क्यू के, ऐसे जो लाइन ड्रॉ हुई है ए क्यू वो सीपी के पैरेलल है, ये है गिवन प्रूफ। ये प्रूफ क्या करना है इसमें, टू प्रूफ, इसमें प्रूफ करना है हमने ये पार्ट, एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल आएगा एरिया ऑफ पी बी क्यू आर के। कंस्ट्रक्शन हुई इसमें ज्वाइन एस सी एंड पी क्यू,
फिर इसका प्रूफ दिया हमने इन ट्रायंगल ए सी क्यू एंड ट्रायंगल ए पी क्यू एंड की बजाय क्या लिखते हैं, बोथ दी ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन टू पैरेलल्स, तो एरिया इक्वल लिख देते हैं एंड की बजाय, ये स्टेटमेंट दिखा देते हैं। ट्रायंगल ए सी क्यू एंड ट्रायंगल ए पी क्यू आर ऑन द सेम बेस, सेम बेस क्या है दोनों में, ए क्यू लाइन है एंड लाई बिटवीन टू पैरेलल्स, पैरेलल्स कौन सी, एक तो बेस वाली ए क्यू एंड बेस के अलावा ए क्यू हट जाए तो इसमें सी और इसमें पी, तो सीपी लाइन ए क्यू के पैरेलल है, ये गिवन था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन ने कहा था कि हमने सीपी के पैरेलल प्रोड्यूस करवानी है, ऐसे जो लाइन रूट करेंगे हम वो, तो ए क्यू एंड सीपी अगर ऐसा हुआ तो देयर फोर दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल। देयर फोर एरिया ऑफ ए सी क्यू इक्वल आएगा एरिया ऑफ ए पी क्यू। अब फिगर के अकॉर्डिंग अगर ए सी क्यू को अगर हम चेक करते हैं तो ए सी क्यू में पैरेललोग्राम एबीसीडी के एबीसी पार्ट के अलावा, एबीसी जैसे फर्स्ट हो गया और एबीसी के अलावा एसी क्यू दो ट्रायंगल से मिलकर बन रही है, ए सी क्यू एबीसी और ए क्यू बी दो ट्रायंगल से मिलकर बनी है ये, तो एबीसी को फर्स्ट पार्ट और इसको सेकेंड, जो दूसरी ट्रायंगल है एपी क्यू वो भी दो ट्रायंगल से मिलकर बन रही है, एपी क्यू में ए बी क्यू भी आएगी और पी बी क्यू, जैसे इसको नाम दे देते हैं थर्ड एसी क्यू। इसका मतलब इस ट्रायंगल की बात करें तो इसमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट आएंगे, इसमें सेकंड और थर्ड, और हमने एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल और पी बी क्यू आर क्वाड्रिलेटरल्स या पैरेललोग्राम्स को कंपेयर करने के लिए वन और थर्ड ही चाहिए, सेकंड पार्ट नहीं चाहिए, इट्स मीन्स इनको कंपेयर करवाएं और पैरेललोग्राम के पार्ट ही हम रखें तो सेकेंड पार्ट दोनों में से सबट्रैक्ट कर दें, सबट्रैक्ट ए बी क्यू फ्रॉम बोथ साइड, सबट्रैक्ट ए बी क्यू फ्रॉम बोथ साइड वी गेट। अगर ए सी क्यू में से माइनस हो जाए एरिया ऑफ ए बी क्यू और इसी तरह से एरिया ऑफ ए पी क्यू इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाए एरिया ऑफ ए बी क्यू, इक्वल में से इक्वल सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो रिजल्ट्स क्या रहेंगे, इक्वल। और ए सी क्यू में से अगर ए बी क्यू हट जाए, ए बी का मतलब सेकंड पार्ट हट जाए तो फर्स्ट बच जाएगा, ये जो अपने पास फर्स्ट एंगल थी दो पार्ट से मिलकर बने थी फर्स्ट और सेकेंड, और सेकेंड हमने हटा लिया है तो फर्स्ट बचेगा यानी एरिया ऑफ ए बी से, और दूसरी साइड में क्या बचेगा, दूसरी साइड में एपी क्यू थी जो सेकंड और थर्ड से मिलकर बनी थी और हमने सेकंड पार्ट हटा लिया तो थर्ड बच जाएगा पी बी क्यू, एरिया ऑफ पी बी क्यू। एबीसी पैरेललोग्राम एबीसीडी का हाफ पार्ट है क्योंकि पैरेललोग्राम में अगर डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो दो ट्रायंगल्स बनेंगे और दोनों का एरिया इक्वल होगा, और कंप्लीट से कंपेयर करवाया जाए तो कंप्लीट के हाफ के इक्वल, इट्स मींस एबीसी पैरेललोग्राम एबीसीडी का हाफ एरिया है, तो दिस इंप्लाइज एरिया एबीसीडी की जगह क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी, और दूसरे की जगह क्या लिख सकते हैं, पीबीक्यू जो है पैरेललोग्राम पीबीक्यूआर का हाफ पार्ट्स हो जाएगी इसी तरह से, तो दूसरी जगह ये जो पार्ट था इसकी जगह आ जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी बी क्यू आर, और जिन थिंग्स के हाफ इक्वल होंगे इट्स मींस कंप्लीट भी इक्वल, इट्स मींस अगर इनके हाफ इक्वल प्रूव हो गए तो कंप्लीट्स को भी क्या लिख सकते हैं, इक्वल। दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी
इक्वल आ जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी बी क्यू आर। ये क्वेश्चन नाइन्थ, इसका प्रूफ हो जाएगा ये। इसके बाद क्वेश्चन करते हैं टेंथ। टेंथ क्वेश्चन में है डायगोनल एसी एंड बीडी ऑफ ट्रेपिजम एबीसीडी विद एबी और डीसी पैरेलल है, इसमें इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, प्रूव दैट एरिया ऑफ एओडी इक्वल आएगा एरिया ऑफ बीओसी। एबीसीडी पैरेललोग्राम लिया हमने, ये सॉरी ट्रेपिजम लेना था, पैरेललोग्राम नहीं था गिवन के अकॉर्डिंग, एबीसीडी को ट्रेपिजम यूज करना। इसमें एबी और डीसी पैरेलल रहेंगे, ए बी सी डी, डायगोनल्स ड्रो करके इसमें एससी और बीडी जो दो ट्रायंगल्स बनेंगी एओडी ओपे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस साइड वाली ये जो ट्रायंगल है एओडी और बीओसी ये ट्रायंगल, इन दोनों का एरिया इक्वल प्रूव करना है। तो ट्रेपिजम में दो साइड्स पैरेलल होते हैं और हमें पता है कि अगर हम बेस पर एक लाइन बेस में यूज करें पैरेलल वाली और एक वर्टेक्स से, तो उन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या दिखाया जा सकता है इक्वल, अगर दोनों का बेस सेम और टू पैरेलल्स के बीच में लाई कर रही हो तब। तो गिवन के अकॉर्डिंग हम ट्रेपिजम की बजाय इसमें लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल डीसी। टू प्रूव एरिया ऑफ एओडी इक्वल आएगा एरिया ऑफ बीओसी, प्रूफ। अब यहां से अगर हम पैरेलल लाइंस को यूज करते हैं तो या तो डीसी यूज करना चाहिए या तो हमने डीसी बेस वाली ट्रायंगल्स लेने हैं या एबी बेस वाले, तो दोनों से हो जाएगा ये। अगर हम डीसी बेस वाली लेंगे तो इस ट्रायंगल के साथ ये ट्रायंगल यूज होगी, और एबी बेस वाली लेंगे तो इस ट्रायंगल के साथ ये यूज होगी। तो हमने लिया जैसे ए बी को, तो ट्रायंगल ए बी डी ले ली हमने, जो ए बी पैरेलल से स्टार्ट होके डीसी पैरेलल तक आ रही थी, ट्रायंगल ए बी डी, और ए बी बेस के साथ और दूसरी ट्रायंगल जो डीसी तक आ रही है ए सी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी। फिगर के अकॉर्डिंग ए बी डी और ए बी सी दोनों ए बी बेस पे हैं, और ए बी बेस हटने के बाद जो वर्टेक्स बचती हैं डी और सी, इनसे जो लाइन पास हो रही है वो ए बी के पैरेलल है। इट्स मीन्स बोथ दी ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस, ए बी एंड लाई बिटवीन टू पैरेलल्स, बेस वाली और वर्टेक्स वाली, तो दोनों टू पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं, सेम बेस है, इसलिए इनका एरिया क्या हो जाएगा इक्वल, आर ऑन दी सेम बेस, और सेम बेस का नाम हुआ ए बी, एंड लाई बिटवीन टू पैरेलल्स या सेम पैरेलल्स बोल सकते हैं, और पैरेलल्स का नाम हुआ बेस वाली बी सी ए बी एंड वर्टेक्स वाली सी डी या डी सी, देयरफॉर दोनों का एरिया क्या हो जाएगा इक्वल, ए बी डी का एरिया इक्वल आ जाएगा ए बी सी के। लेकिन हमें इनका एरिया इक्वल नहीं दिखाना था, ए बी डी को चेक करते हैं तो दो पार्ट से मिलके बनती है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों से मिलके बनेगी ए बी डी, और दूसरी को चेक करते हैं तो ए बी सी को, तो ये सेकंड, और अगर इसको नाम दे थर्ड तो ये सेकंड और थर्ड से, और हमने कंपेयर करवाने हैं फर्स्ट और थर्ड, इट्स मीन्स सेकेंड पार्ट बोथ साइड से हटा लेना है। Subtract area of A O B from the both side. We get क्या results मिलेंगे अगर ऐसा करेंगे, तो area of A B D में से subtract होगा area of A O B
लेफ्ट में भी और राइट में भी, और इक्वल में से इक्वल सबट्रैक्ट करवाएंगे तो रिमाइंडर्स भी क्या रहेंगे इक्वल। और एबीडी में से एओबी, इसका मतलब एओबी थर्ड पार्ट और एबीडी इन दोनों का सम फर्स्ट और सेकंड का, और एओबी क्या हो गया सेकंड पार्ट। फर्स्ट और सेकंड पार्ट के सम में से सेकंड पार्ट हट जाए तो ओनली क्या बचेगा फर्स्ट पार्ट। यानी एबीडी में से, इसमें से अगर ये ट्रायंगल हट जाए तो कौन सी बचेगी, ये नीचे नीचे वाली एओडी, एरिया ऑफ एओडी। और सिमिलरली एबीसी में एओबी हटेगी तो बीओसी बच जाएगी। इस टाइप से हम इन दोनों का एरिया इक्वल प्रूव कर देंगे। तो ये था क्वेश्चन 10th। इलेवेंथ है इसका फिगर, इसमें दिखाया है, इसमें फिगर है 9.27 ए बी सी डी और ई इज ए पेंटागन। ए बी सी डी ई क्या है पेंटागन, ए लाइन रोट बी, पेंटागन बनाए ए बी सी डी ई, ए बी इस टाइप से, ए बी सी डी ये पेंटागन दिखा रखा है। ए लाइन रोट बी, बी से एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू एससी, एससी के पैरेलल, इट्स मींस एससी ड्रॉ करें ये होगी, और इसके पैरेलल बी से एक लाइन हमने ड्रॉ की जो एससी के पैरेलल रहेगी। मीट डीसी, डीसी को मिलेगी ये प्रोड्यूस करवाने पे एट एफ, एफ पॉइंट के ऊपर। शो दैट फर्स्ट पार्ट में ए बी सी का, ए सी बी का जो एरिया है, ए सी बी इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल आएगा ए सी एफ के, ए सी एफ के, ए सी एफ इस ट्रायंगल के। तो इनके नाम के अकॉर्डिंग ही अगर हम चेक करें, गिवन के अकॉर्डिंग क्या है इसमें, ए बी सी डी ई इज ए पेंटागन, और मेन जो चीज है इसमें पैरेलल लाइंस वाली है, क्योंकि एरिया किससे कंपेयर करते हैं पैरेलल लाइंस से, हम हाइट्स इक्वल हो जाती है टू पैरेलल्स के बीच में। तो पैरेलल कौन कौन सी दी है इसने, बी से जो लाइन ड्रॉ की गई है वो पैरेलल है एससी के, और बी से जो ड्रॉ की गई है वो है बी एफ, तो इसका मतलब इसमें एससी पैरेलल है बी एफ के। प्रूव करना है इसमें, फर्स्ट पार्ट है एरिया ऑफ ए सी बी इक्वल आए एरिया ऑफ ए सी एफ, तो दोनों ट्रायंगल्स में एक साइड कॉमन दिख रही है, जैसे इनका नाम लिख रखा है एस सी, इट्स मीन्स दोनों को एससी बेस पे मानते हैं हम, और एससी के अलावा बी और एफ वर्टेक्स बच गई, इसका मतलब इन दोनों को ज्वाइन करवाएं तो बी एफ लाइन बनेगी जो एससी के पैरेलल दे रखी है। इट्स मींस बेस और वर्टेक्स वाली लाइंस क्या होगी पैरेलल, तो दोनों ट्रायंगल्स टू पैरेलल्स के बीच में लाई कर रही हैं, और बेस सेम है इसलिए एरिया क्या हो जाएगा सेम। प्रूफ, ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल ए सी एफ आर ऑन दी सेम बेस एस सी एंड लाई बिटवीन टू पैरेलल्स एस सी एंड बी एफ, देयरफोर दोनों का एरिया क्या हो जाएगा इक्वल, ए सी बी का एरिया इक्वल आ जाएगा ए सी एफ के। सेकेंड जो पार्ट है इसमें, इसमें एरिया ऑफ ए ई डी एफ, एरिया ऑफ ए ई डी एफ इक्वल आए एरिया ऑफ ए बी सी डी ई के, ए ई डी एफ, ए ई डी एफ, इसका मतलब अभी जो ट्रायंगल ए सी एफ यूज की हमने उसमें
ये क्वाड्रिलेटरल और एड हो गया है ए ई डी सी, यानी ए सी एफ और ए ई डी सी से मिलके ये पार्ट बनेगा ए ई डी एफ। दूसरी साइड को अगर चेक करते हैं तो ए बी सी डी ई पेंटागन हो गया, तो पेंटागन इस क्वाड्रिलेटरल ए सी डी ई में अगर एबीसी ट्रायंगल और ऐड की जाए तब बनता है। इट्स मींस जो पार्ट हमने फर्स्ट पार्ट में इक्वल दिखाए थे उनमें दोनों साइड में अगर ये क्वाड्रिलेटरल और ऐड कर दिया जाए तो एक साइड में लेफ्ट पार्ट बन जाएगा और एक में राइट। फ्रॉम पार्ट फर्स्ट हमने दिखा दिया था एरिया ऑफ एसीबी इक्वल आ गया था एरिया ऑफ एसीएफ। अब हमने ऐड करना है बोथ साइड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एसीडीई। वी गेट एरिया ऑफ एसीबी, इसमें ऐड होगा एरिया ऑफ एसीडीई, दूसरी साइड में एरिया ऑफ एसीएफ, इसमें ऐड होगा एरिया ऑफ एसीडीई। तो एसीबी एसीबी इस ट्रायंगल और इस क्वाड्रिलेटरल से क्या बन जाएगा पेंटागन, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ पेंटागन एबीसीडीई। और इन एसीएफ और एसीडीई से क्या बन जाएगा एसीएफ इस ट्रायंगल से और इस क्वाड्रिलेटरल से क्या बन जाएगा एईडीएफ। तो ये इसमें लेफ्ट दे रखी है और ये राइट, हमने इसको उल्टा लिख दिया, दोनों को ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी रहे, तो ये क्या हो गया करेक्ट, तो दोनों चीजें इक्वल प्रूव होगी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। ट्वेल्थ क्वेश्चन है ए विलेजर इतवारी हैज ए प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल शेप की लैंड है उसके पास। द ग्राम पंचायत ऑफ द विलेज डिसाइडेड टू टेक ओवर सम पोर्शन ऑफ हिज प्लॉट, ग्राम पंचायत ने उसकी जो लैंड थी उसका कुछ पोर्शन लेने का डिसाइड किया है फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर्स, इसी एक कॉर्नर से, टू कंस्ट्रक्ट ए हेल्थ सेंटर बनाना है उस कॉर्नर में। इतवारी एग्री टू दी अबू प्रपोजल विद दी कंडीशन, इतवारी उसके लिए सहमत है लेकिन उसकी कंडीशन है दैट ही शुड गिव इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड, कि उसको उसके हिस्से के बराबर जितनी वो लैंड देगा हेल्थ सेंटर के लिए उतनी ही उसको चाहिए। इन ल्यू ऑफ हिज लैंड, उसकी लैंड के बदले में एडजॉइनिंग दिस प्लॉट, उस प्लॉट के साथ लगती हुई ही उसको मिलनी चाहिए सो एज टू फॉर्म ए ट्रायंगुलर प्लॉट, और उसका प्लॉट किस शेप का हो जाए ट्रायंगुलर का क्वाड्रिलेटरल से। एक्सप्लेन हाउ दिस प्रपोजल विल बी इम्प्लीमेंटेड, ये किस टाइप से इम्प्लीमेंट हो, तो ये थ्योरेटिकल चीज नहीं है, प्रूव नहीं करना है, इसमें हमने फाइंड आउट करके दिखाना है, इसलिए इसमें गिवन और टू प्रूव वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन जो सॉल्यूशन हम देंगे उसके अकॉर्डिंग एबीसीडी फील्ड हमने लेना है। मान लिया कि उसकी स्टार्टिंग में जो शेप थी क्वाड्रिलेटरल शेप थी फील्ड की, लेट ए बी सी डी इज द फील्ड ऑफ इतवारी, ये इसका फील्ड है। अब इसको ट्रायंगुलर शेप देनी हमने, तो इसमें एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया, अब क्या होगी इसकी शेप दो ट्रायंगल्स की होगी,
इसके बाद हमने क्या करना है कि पैरेलल लाइंस यूज हो तब हम ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल दिखाते हैं। तो हमने बी वर्टेक्स से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है एससी के डायगोनल के। ड्रॉ ए लाइन, रूट ए लाइन फ्रॉम बी पैरेलल टू एससी विच इंटरसेक्ट डीसी एट एफ व्हेन प्रोड्यूस्ड एंड टेक शॉर्ट लिखते हैं तो एससी पैरेलल बीएफ लिख लेते हैं, एससी पैरेलल बीएफ। अब अपने पास एएफ को ज्वाइन करवाएं एंड ज्वाइन एएफ। इतना होने के बाद अब हमने एरियाज को कंपेयर करना है। एससी और बीएफ पैरेलल है, इट्स मींस इन दोनों पैरेलल लाइंस को यूज करके किन ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल दिखाया जा सकता है। तो इन दोनों में से एक को बेस लेना पड़ेगा और हम बेस किसको लेंगे जो क्वाड्रिलेटरल के अंदर आएगी, क्योंकि हमने क्वाड्रिलेटरल के अंदर से पार्ट हटाना है। तो हमने एससी बेस पे चेक किया दो ट्रायंगल्स कौन कौन सी यूज हो रही है। एससी बेस पे दो ट्रायंगल्स यूज हो रही है ए एफ सी और ए सी बी। तो हम इन दोनों का एरिया कंपेयर करवाएंगे। नाउ इन ट्रायंगल ए सी एफ एंड ट्रायंगल ए सी बी, तो दोनों किस बेस पे होगी एससी, और एससी के अलावा इसमें जो वर्टेक्स बची है वो क्या है बीएफ, और एससी और बीएफ पैरेलल भी है। इट्स मींस ये दोनों ट्रायंगल्स बेस वाली लाइन एससी और वर्टेक्स से जो लाइन पास हो रही है बीएफ उन दो पैरेलल्स के बीच में लाई कर रही है। इट्स मींस इनका एरिया क्या हो जाएगा इक्वल, रीजन सेम बेस और इक्वल हाइट या सेम बेस और इक्वल पैरेलल या सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करने की वजह से आर ऑन द सेम बेस का नाम हुआ एससी एंड लाई बिटवीन टू पैरेलल्स एससी एंड बीएफ। अगर ऐसा हुआ तो देयरफॉर एरिया ऑफ एसीएफ इक्वल आएगा एरिया ऑफ एसीबी। अब इसके बाद हमने एबीसीडी का कौन सा पोर्शन हटाएं और कौन सा उसको किसान को मिले ताकि उसके फील्ड का जो एरिया है वो चेंज ना हो। ये अपने पास एरियाज इक्वल आए हैं, अब इसमें हमने क्या चेक करना है, जैसे ये है ये पार्ट वन दे दिया हमने, ये पार्ट टू और ये पार्ट थ्री, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अगर एसी बी को आप चेक करोगे तो एसी बी आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट से मिलेगी जिनका एरिया हमने इक्वल प्रूव किया है। उसमें ए बी सी या एसी बी जो ट्रायंगल है वो फर्स्ट और सेकंड पार्ट से मिलकर बन रही है। दूसरी साइड में एसीएफ को अगर आप चेक करोगे तो ये सेकंड और थर्ड पार्ट से मिलके बन रही है, सेकंड प्लस थर्ड। इट्स मीन सेकंड पार्ट दोनों में क्या है कॉमन। अगर इनका एरिया इक्वल है तो बोथ साइड से सेकंड पार्ट हटे तो थर्ड और फर्स्ट भी क्या दिखेंगे इक्वल। इट्स मीन्स फर्स्ट और थर्ड का एरिया क्या हो जाएगा इक्वल। तो हम क्या करेंगे फर्स्ट पार्ट हटा देंगे हेल्थ सेंटर के लिए, तो यहां पे नाम देना पड़ेगा हमने जैसे ई, यानी ए बी ई पार्ट हट जाएगा फील्ड से ए बी सी डी से और कौन सा ऐड हो जाएगा ई सी एफ, क्योंकि दोनों का एरिया क्या है इक्वल। तो हेल्थ सेंटर में फर्स्ट पार्ट चला जाएगा और जो अपने पास फार्मर है उसको मिल जाएगा थर्ड पार्ट, तो उसकी लैंड इक्वल रहेगी एरिया में और ट्रायंगुलर शेप बन जाएगी, उसका फील्ड अब हो जाएगा ए डी एफ शेप का। तो इस चीज को कैसे लिखेंगे, अब हमें फर्स्ट और थर्ड पार्ट का एरिया इक्वल दिखाना है, यानी जो अमाउंट हमने हेल्थ सेंटर के लिए देनी है लैंड की वो फर्स्ट पार्ट है और जो हमने ऐड करनी है फील्ड में वो थर्ड पार्ट है। तो फर्स्ट और थर्ड पार्ट का एरिया इक्वल दिखा के एक पार्ट
हेल्थ सेंटर के लिए अलॉट हो जाएगा और दूसरा उसके फील्ड में एड हो जाएगा। इट्स मीन्स हम इक्वल दिखाएं एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमने किया फर्स्ट और थर्ड को इक्वल दिखाने के लिए सेकंड पार्ट हटा लिया इन दोनों में से, सबट्रैक्ट एरिया ऑफ ए ई सी फ्रॉम बोथ साइड, वी गेट दोनों साइड से ए ई सी एरिया हटा देते हैं, एरिया ऑफ ए सी एफ माइनस एरिया ऑफ ए ई सी, और दूसरी साइड में एरिया ऑफ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ए ई सी। ए सी एफ में से, ए सी एफ में से अगर ए ई सी हटेगा तो ये बच जाएगा सी ई एफ, एरिया ऑफ सी ई एफ इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी बी में से अगर ए ई सी हटेगा तो बच जाएगा ए ई बी, एरिया ऑफ ए ई बी। तो हेल्थ सेंटर लेंथ तो हो जाएगी अपने पास ए ई बी, देयरफॉर हेल्थ सेंटर लेंथ इज ए ई बी एंड वी एड इन वी गिव दी लैंड ऑन सी सीईबी टू इतवारी। तो इतवारी को जो लैंड दी जाएगी वो कौन सा, सीईएफ, इतवारी को जो लैंड दी जाएगी वो थर्ड पोर्शन है सीई एफ, और जो हेल्थ सेंटर के लिए अलॉट होगी वो क्या हो जाएगी ए ई बी, यानी ये पोर्शन हेल्थ सेंटर में चला जाएगा और ये उसमें पहले वाले फील्ड में ऐड हो जाएगा। तो अब उसका फील्ड हो गया ए डी एफ शेप का जो ट्रायंगुलर है। तो प्रपोजल भी यही था कि उसका से फील्ड किस शेप का हो जाए, ट्रायंगुलर शेप का, और उसको उसके हिस्से के बराबर लैंड मिले। तो इन दोनों का एरिया इक्वल है तो इनमें से एक की जगह हेल्थ सेंटर और एक फार्मर को अलॉट हो जाएगा।